हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं फेस स्मूथ कैसे करें और बैकग्राउंड में येलो इफेक्ट्स कैसे डालें, वो भी सिर्फ एक से दो स्टेप में। तो आप ये देख सकते हो, ये अपना पहले का फ़ोटो है जो कि ये एडिट किया हुआ नहीं है। और एडिट करने का बाद का देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया अपने बैकग्राउंड में और अपने फेस पर। तो आप भी इतना ही प्यारा फेस स्मूथ करना चाहते हो और बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं आगे की ओर। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करोगे वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइटरूम में। अपन आ जाएंगे सबसे पहले लाइटरूम में, ठीक है। लाइटरूम में आने से पहले आप गैलरी में जाकर जो भी आप फ़ोटो एडिट करोगे वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना, ठीक है। और मैं पहले ही लाइटरूम में ऐड कर चुका हूँ ये वाली फ़ोटो जो कि मैं एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस पर अपन क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। सिलेक्ट करने के बाद जो अपन सबसे पहला काम करेंगे वो अपन आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है जो कि अपना सेकेंड नंबर पर, सॉरी थर्ड नंबर पर, नीचे से भी थर्ड नंबर, ऊपर से भी थर्ड नंबर, ठीक है। तो इस पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो आप फर्स्ट में आप देख सकते हो ये अपना ऑटो का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑटो पे क्लिक कर देंगे। इससे अपन को ये होता है कि अपना कलर एडजस्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हो आप अपने फ़ोटो पे ज़्यादा ब्राइटनेस था तो ये अपना नॉर्मल हो चुका है। अगर आप इस आपके अगले फ़ोटो में या फिर ज़्यादा ब्राइटनेस हो या फिर कम ब्राइटनेस हो वो अपने हिसाब से उसको नॉर्मल कर देता है, अपने फेस का हो या फिर कपड़े का हो या बैकग्राउंड का हो, ठीक है। तो इसको प्लीज़ एक बार यूज़ करके आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, ओके। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे, जो कि अपना ये कलर ऑप्शन दिख रहा है थर्ड नंबर पे। इस कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। आने के बाद जो अपना ये थर्ड नंबर वाला है, ये वाला थर्ड नंबर वाला, इसको अपन नॉर्मली 50 के आसपास कर देंगे, ठीक है। तो आप भी इसको 50 के आसपास कर लेना, ओके। 50 के आसपास करने के बाद आप जो फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन है, इस कलर वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक कर देंगे। और यहाँ से रेड वाले ऑप्शन पे है, इसके सेकंड को माइनस में कर देंगे 15 के आसपास, और ये 15 प्लस में कर जाएंगे जो अपना थर्ड नंबर है, ठीक है। इन दोनों को देख लेना, ये अगर आपको समझ में ना है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी तरह आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि अपना ये सेकेंड नंबर देख सकते हो अपना, ये जो ऑरेंज कलर का, इस पर अपन क्लिक करके इसके सेकेंड वाले को अपन 20% के आसपास कर देंगे, और जो अपना थर्ड वाला है इसको 100 कर देंगे या फिर कम भी कर सकते हैं। तो इसका ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अपना फेस स्मूथ करने का और गोरा करने का काम आता है। अगर आपका फेस ज़्यादा ब्लैक है तो इसको आप ज़्यादा कर सकते हो, अगर नॉर्मल है तो इसको नॉर्मल ही रहने देंगे। अगर आपका फेस ज़्यादा वाइट दिख रहा है तो उसको अपन यहाँ से आराम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फेस पहले से ही नॉर्मल ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, तो अपन इसको भी ठीक ठाक रखते हैं 30 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद अपन यहाँ से इसको डन कर देंगे, जो कि आप कोने में देख सकते हो आप, यहाँ से अपन इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडिट कर देंगे। इतना करने के बाद आप कोने में देख सकते हो जो कि अपना बैक कलर का ऑप्शन है, इस पर अपन क्लिक करके बैक आ जाएंगे और एक प्रीसेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो कि अपन प्रीसेट का इस्तेमाल करने वाले वो ये वाला प्रीसेट है, और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। इसके सारे से, इसके मदद से आप कोई भी फ़ोटो सिर्फ एक से दो ही क्लिक में आप एडिट कर लोगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये प्रीसेट नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बोले, मैं आपको ये प्रीसेट सेंड कर दूंगा। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, तो मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको कॉपी करना होता है। तो कॉपी करने के लिए इसको अपन सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ से थ्री डॉट देख सकते हो आप, थ्री डॉट पर अपन क्लिक करके यहाँ से ये लिखा हुआ है कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देंगे। और फिर आ जाएंगे अपन बैक, बैक आ चुका। बैक आने के बाद जो अभी आप फ़ोटो एडिट किए थे उसी पे अपन दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे उसको, तो इस पर क्लिक करके इसको अपन सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट होने के बाद अपन जो प्रीसेट कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए थ्री डॉट पर अपन क्लिक करेंगे और हल्का सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लिखा है पेस्ट सेटिंग, तो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया अपने बैकग्राउंड और अपने फेस में। तो आप भी इतना ही प्यारा फोटो एडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो और आप ये देख सकते हो ये अपना पहले का और ये आपका, जो कि कितना प्यारा लुक आ रहा है और कितना प्यारा लग रहा है।
इसको अपन गैलरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पे अपन क्लिक करेंगे और सेव कॉपी डिवाइस पे अपन क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।